हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड मेड इन वर्ल्ड और आप देख रहे हैं पिक्चर का पोस्टर है आपके साथ। शकीला यानी ऋषा चड्ढा की मिल में हमारे साथ है ऑटो वाले अंकल। ये अभी अभी ये फिल्म लेके आए हैं। तो अशोक सर, कैसी लगी आपको ये मूवी? देखिए, मूवी तो देखा मैंने कुछ जो है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी मैसेज है क्योंकि ये मूवी जो है कुछ है, कोई जो है अलग सोच के अंदर घुस रहा है, कोई सोच रहा है अलग अंदर जाके कुछ अलग चीज बताएगा, कुछ है बताया तो है लेकिन क्या है, कुछ अलग जो है इसके अंदर कुछ समझाने की कोशिश की है क्योंकि समझना चाहिए। ये जो है कुछ पहले जो है सब बता रहे हैं, पहले साउथ में जो है ये कुछ बनी थी और उसके बारे में जो है बाद में रियल स्टोरी पे ये कुछ दर्शाया गया है क्योंकि शकीला जो है इसके अंदर हमारे जो है पंकज त्रिपाठी जिन्होंने जो है बहुत अच्छा एक बहुत बड़े एक्टर का इन्होंने इसमें किरदार निभाया है, बहुत अच्छा। उन्होंने पहली ऐसी मूवी है जिसमें पंकज त्रिपाठी जो है बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखे और बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर कुछ गाने भी हैं और कुछ मैसेज भी हैं जो कि मतलब हर एक इंसान को यह मूवी देखना चाहिए और कुछ इसके अंदर सीखें मिली है कि जो कि हमारे जो बीच में जो पूरे ये लॉकडाउन में जो कुछ बॉलीवुड पे कुछ बातें उछल रही थी कि इसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का ये कर रहा है, ऐसी बातें इसके अंदर मतलब इसमें आपको मैसेज ये मिलेगी कि कोई भी एक्टर अगर एक्टर बनता है तो उनके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ रहती हैं। वो कहानियों के बारे में इसके अंदर वो सच्चाई से ये लड़की है और जिसका नाम है शकीला जो कि 5-5 बहनों का बोझ लेकर के एक शहर में आती है और वो शहर में आने के बाद जो है उसे क्या क्या झेलना पड़ता है और किस मुसीबतों से जाना पड़ता है, कैसी एक्टर मूवी के लिए काम करना पड़ता है, क्या है मतलब वो सच्चाई से लड़ना पड़ता है उसके बारे में कहानी दर्शाया गया और कैसे मतलब है क्या क्या मतलब उनको जो है मतलब कैसे सामना करना पड़ता है इसके बारे में बताया गया। जैसे आप एक एक्टर पकड़ लीजिए जो भी है, हीरोइन के बारे में कहानी है, जैसे बीच में कोई आत्महत्या कर दिया, कोई कैसा किसके ऊपर रेप हो गया, ऐसे बारे में इनके बारे में बताया गया कि क्यों ऐसा सब होता है इसके बारे में दर्शाया गया। तो ये बहुत समझने वाली बात है। कुछ ऐसी जो है बातें भी लिखी जैसे कच्ची जवानी, ऐसा कुछ मतलब बोला गया है लेकिन ये सब जो मूवी बनती क्यों, कोई भी ऐसी नहीं बन जाती, मजबूरी की वजह से बनती है, ऐसी बनती है। और ये जो है इसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है जो कि ये जो है मतलब है जो है हर एक इंसान को देखना चाहिए, मतलब फैमिली बैठ के मतलब पूरा नहीं लेकिन मियाँ बीवी को जरूर ये मूवी देखना चाहिए, इसके अंदर मैसेज है। बस दोस्तों मैं यही बोलूँगा मूवी इतनी ख़राब नहीं है लेकिन मैसेज बहुत ज़बरदस्त है, क्लाइमेक्स भी अच्छा है, जवाब इसमें ये मिला हुआ है कि जो है कोई मूवी और कोई चीज़ पिक्चर देख करके रेप और ये सब नहीं होता है, उसमें जो है इंसान भी जो है जिम्मेदार होता है, अकेले जो है पिक्चर अगर ख़राब बनता है वो जिम्मेदार नहीं होता, हीरो जिम्मेदार नहीं होता, इसके बारे में ये दर्शाया गया। बस दोस्तों मैं यही बोलूँगा मुझे मूवी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और ये जो हीरोइन है इसका भी काम अच्छा लगा, पंकज त्रिपाठी का माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक बहुत अच्छा ज़बरदस्त उनका काम है। दोस्तों हम लोग जो है 3 बजे के शो में देखे, कम से कम 20-25 लोग थे और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जाते जाते पब्लिक हमेशा ये पूछती है कि टिकट कितना है, तो आप ये बताइए जो है इसके अंदर ये टाइम आप लोग को लॉकडाउन में फुल डिस्काउंट है 100 रुपये। और आमतौर से कितना रुपए रहता है वैसे? नहीं तो ऑलरेडी जो है स्पेशल जो है हम लोग जो है गेटी गैलेक्सी में स्पेशल में देखते थे 140 रुपये, 140 के जगह पे आपको सिर्फ 100 रुपीज में आपको इसमें देखने को मिलेगा, आप आके देख सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू।